हाय एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वेरी एक्साइटिंग वीडियो, जहां पर मैं आपको आज कम टाइम में और बहुत ही आसान शब्दों में ये बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं और इनमें आपस में क्या रिलेशन है। मैं आपको कम टाइम में एक हाई पावर नॉलेज दूंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं दिवाकर बिश्नोई हूं एंड आई एम द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विशाल टेक्नो पावर प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर हमें 28 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, हैविंग एग्जीक्यूटेड 1000+ प्रोजेक्ट्स फॉर 100+ क्लाइंट्स इन 17+ स्टेट्स एंड वी आर इंडियाज लीडिंग एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल ईपीसी कंपनी। अगर आप भी किसी इंडस्ट्रियल अपकमिंग प्रोजेक्ट से जुड़े हैं या इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन प्रोजेक्ट से जुड़े हैं या फिर कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट, लार्ज बिल्डिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट आप हमसे और हमारी टीम से एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम और हम सब मिलकर आपको एक बेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिकल सोल्यूशन देने में असिस्ट करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर में। अगर मैं दूसरी भाषा में बताऊं तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को किसी भी एक कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक वायर है और उस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इटसेल्फ एक इलेक्ट्रिक करंट है। नेगेटिव आयंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब भी वो फ्लो करते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर्स में मेजर करा जाता है और इस एम्पियर को ए से डिनोट करा जाता है। सिमिलरली सेकेंड आते हैं हम वोल्टेज पे। तो वोल्टेज क्या होता है? तो वोल्टेज भी बहुत आसान है। जब एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के फ्लो कराने का जो फोर्स काम करती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं उसे, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो आयंस को धक्का मार के एक जगह से लेके दूसरी जगह तक लेके जा रही है, करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक फोर्स करके मूव करा रही है, उसको वोल्टेज बोलते हैं। तो वोल्टेज सिंपली एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है जो नेगेटिव आयंस को या नेगेटिव चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पुश करके ले जाती है। तो वोल्टेज सिंपली यही होती है कि वो एक फोर्स है जो इलेक्ट्रिक करंट को एक सर्किट में मूव कराती है। तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज को हम लोग वोल्ट्स में मेजर करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है वी से। अगर आप इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने दोनों पे एक एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या होता है। तीसरा आते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सिंपली एक बाधा है, एक रुकावट है जो इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में आता है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर केबल में फ्लो कर रहा होता है तो उसके रास्ते में जो रुकावटें आ रही हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लो का चार्ज स्लो कर रही हैं, उसको इलेक्ट्रिक फ्लो को फ्लो होने से रोक रही हैं, वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। तो जैसे कि इंग्लिश का वर्ड रेजिस्टेंस होता है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी सिंपली एक रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज के फ्लो को। तो जब भी किसी एलिमेंट में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितना फ्रीली मूव कर पा रहे हैं ये डिफाइन करता है कि वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है। तो जिस भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी करंट स्मूथली फ्लो कर सकता है, वो कंडक्टर्स होते हैं। और जिस भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को स्मूथ फ्लो नहीं कर पाते और उन्हें बहुत ज़्यादा रुकावट आती है, वो इंसुलेटर्स होते हैं। तो रेजिस्टेंस का काम सिंपली करंट को अपोज करना है। अगर मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊं तो एक नल में से जब पानी बह रहा होता है, वो पानी जो बह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर वो इलेक्ट्रिक करंट है, तो नल को जब मैं घुमाता हूं और नल का वॉल्व धीरे 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 नल में बंद करने लगता है और पानी का फ्लो कम होने लगता है, तो वो जो वॉल्व धीरे धीरे घुमा के मैं बंद कर रहा हूँ और पानी के फ्लो में रुकावट पैदा कर रहा हूँ, वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यही होता है। अब सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो के पार्ट पे आते हैं, जहाँ पर हमें यह जानना है इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है समझने से पहले हम दो केसेस समझ लेते हैं। एक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR, यानी वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, जिसके हिसाब से अगर मैं मानूं तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो मेरा करंट भी बढ़ेगा। पर एक दूसरा जो एक्चुअल प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल लाइफ सिनेरियो है कि जब भी किसी इंडस्ट्री में HT सप्लाई 11 kV, 33 kV की आ रही है, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि लोड जहाँ पर मेरा लगा हुआ है ट्रांसफार्मर के बाद या ट्रांसफार्मर के पहले, उस केस में क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ने से करंट घट रहा है और वोल्टेज घटाने से करंट बढ़ रहा है। तो ये ओम्स लॉ के वोल्टेज इज इक्वल टू IR को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में, जो मैं इंडस्ट्रीज में देख रहा हूँ। तो इन दो केसेस में वोल्टेज और करंट का रिलेशन ऑपोजिट क्यों है? सबसे पहले ये समझते हैं, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR जो है वो तब स्टैंड करता है जब R जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, और जो दूसरा इंडस्ट्रियल केस सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पर वो चीज तब वैलिड है जब पावर कांस्टेंट है। तो यहां पर वोल्टेज और करंट के दो रिलेशंस हैं, एक पावर कांस्टेंट और एक रेजिस्टेंस कांस्टेंट। तो जिस भी केस में पावर कांस्टेंट होगी वहां पर वोल्टेज और करंट आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट घटेगा
और वोल्टेज घटाने से करंट बढ़ेगा। सिमिलरली अगर V इज इक्वल टू आई आर के केस में रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, रेजिस्टेंस के कॉन्स्टेंट होते ही वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी वोल्टेज के बढ़ाने से करंट बढ़ेगा और वोल्टेज के घटाने से करंट घटेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैक्सिमम लोग कई बार नहीं समझ पाते और मिस कर जाते हैं और इंटरव्यूज में, जॉब इंटरव्यूज में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ कैलकुलेशन से अंडरस्टैंडिंग में इस कंसेप्ट को मिस कर जाते हैं और मिस जज करके वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए इस रिलेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं हमेशा की तरह मैंने आपको कम टाइम में हाई पावर नॉलेज दी होगी और आपका एक प्रोमिनेंट इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करके आपको एक नए कंसेप्ट के अराउंड क्लैरिटी दी होगी। तो आप इसी तरह मेरा वीडियोस देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिएगा जिससे आपको मेरी हाई पावर नॉलेज की वीडियोस का नोटिफिकेशन यूं ही मिलता रहे। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।